बधाई हुआ कुछ लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, बहुत बहुत सारा पिक्चर की, बहुत पिक्चर किया मैंने. एंड आशा भोसले शी सैंग मोर देन आर डी बर्मन विद बापी लाहिरी. बट आई कैन स्पीक बट आई कैन सिंग, बिकॉज देखिए संगीत का कोई भाषा नहीं होता है, संगीत का कोई भाषा नहीं होता है. किस टाइप का, क्या मूड का गाना है, जैसा हमको बोला जी जीतू भाई को ट्रिब्यूट करना है, श्रीदेवी को ट्रिब्यूट करना है, तो मैं समझ गया इस स्टाइल का गाना. अमित ने बहुत अच्छा गाना बनाया, अमित राज ने, वेरी गुड. एंड वैशाली, आई डेफिनेटली आई गिव टू 100 मार्क्स टू वैशाली सामंत, शी सैंग सो वेल, सो वेल. एंड बस मेरे हिसाब से गाना सबको पसंद आ रहा है और भी आएगा, और पिक्चर जब तक रिलीज होगा गाना सॉन्ग एकदम कमाल. आपके प्रोनाउंसिएशंस रहे, ये गाना हम सब ने सुना, बहुत अच्छी मराठी लगी सुनने में. थैंक यू. जब अमित ने बोला ये गाना ट्रिब्यूट करे, और संजय यादव जी आउटस्टैंडिंग, ही इज अ वेरी बेस्ट डायरेक्टर, ही हैज डन सो मेनी हिट्स. जब हमको पूरा स्टोरी बोला जो ये स्टोरी में हम लोग ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, तो एक तो फीलिंग हुआ ही जितेंद्र सिंह, आपको मैं पहले ही बताया जो हम लोग को रिकॉर्ड है 12 पिक्चर एक साल में जुबली हुआ था जितेंद्र श्रीदेवी जयप्रदा. तो सचमुच ये गाना सुन के बहुत कुछ यादें आ रहे थे, देखने के बाद और यादें आ गया. जैसा ताकि ताकि एक आंख मारू तो पर्दा हट जाए, जैसा गोरी तेरे अंग अंग में, नैनों में सपना, कितना गाना, क्या मैं बताऊँ, सभी सभी सुपरहिट गाना है. बप्पी, तो जैसे कि कहा आपने कि श्रीदेवी को ट्रिब्यूट किया गया ये गाना, श्रीदेवी पे फिल्म भी बन रही है जो प्रिया प्रकाश वारियर कर रही है, लेकिन उसके मेकर्स पे लीगल नोटिस भेजा है बॉलीवुड कंपनी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई डोंट नो एनीथिंग, सॉरी, आई एम सर, आई वाज नॉट इन हियर. सर अभी 50 साल हुए, अभी तो लकी, बस सर वी आर प्रेजेंटली, आई ओनली टोटली मेरा ये है कॉन्सेप्ट है जो लाकी लाकी लाकी. सर आपके कारकिर्दी को आज 50 साल आज पूरे हुए, मतलब आप आज आपने इसकी घोषणा एक मराठी के मंच पे आपने की. आज मैं देखिए मराठी मंच के क्या, यही तो हमारा देश है, यही तो मेरा शहर है. Exactly. इससे मैं बप्पी लहिरी बना, इन्होंने कहीं आशीर्वाद से बना. आई एम प्राउड, आई एम महाराष्ट्र का धरती पर खड़ा होकर आज बोल सकता हूँ उन्होंने बनाया हमको बप्पी लहिरी. बस मैं कभी बोल नहीं सकता हूँ, हाँ I born in Kolkata, but बनाया बप्पी लहिरी को महाराष्ट्र. बप्पीदा, आपको ये गाना कितने टेक में अब तक क्लियर किया, क्योंकि सीन्स तो मराठी ना, जल्दी जल्दी हो गया मेरा गाना गाने के लिए टाइम, क्यों मैं तेलुगु पिक्चर भी बहुत किया, म्यूजिक किया चिरंजीवी का, तमिल पिक्चर, कन्नड़ा पिक्चर, बट मराठी पिक्चर में क्या होता है, लैंग्वेज तो मालूम पड़ता है ना, थोड़ा देख के गाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है. और आई एम वेरी पर्टिकुलर, एक लाइन भी अगर कुछ 19-20 होता है फिर से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मतलब नहीं शोधू जरा क्लियर आना चाहिए. तो ऐसे ही कोपचा, मैं वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज माय वॉइस शुड बी द वेरी पर्टिकुलर, ही आना चाहिए. पब्लिक जब सुनेंगे वाह बप्पीदा अच्छा गाया, थैंक यू वेरी मच. और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आई एम सो टुडे, जो ये पिक्चर लाकी का पहले फ्राइडे को लग रहा है मेरा वाई चीट इंडिया, जिसमें दिल में हो तुम गाना जो मैंने अभी गाना सुनाया, तो मैं 2019 को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. बस ये पिक्चर से शुरू हो रहा है, दोनों पिक्चर हिंदी और मराठी, आई थिंक सो. बस आप लोग को आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए आप लोग को सुनाया, दे दे प्यार दे, प्यार दे बप्पीदा को प्यार. बप्पीदा फाइनली, बप्पीदा काफी सॉन्ग्स रिक्रिएट किए जा रहे हैं, आपने भी एक रिक्रिएशन का सॉन्ग गाया आपने, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या इंडस्ट्री के पास सॉन्ग्स नहीं रहे जो रिक्रिएट? नहीं देखिए एक बात, तम्मा चम्मा हो गया, नहीं नहीं वो तो तम्मा तम्मा से तो शुरू हुआ, तम्मा तम्मा तो मेरा पहला गाना था बद्रीनाथ की दुल्हनिया का, रात बाकी बात बाकी इत्तेफाक में. तो देखिए गाना जो है ना, जो गाना हम लोग बनाया वो गाना है टेस्ट मैच 5 दिन का, आज का गाना है 1 डे क्रिकेट मैच, आज आया 3 महीने बाद भूल जाता है, उसके पुराना गाने को लेके रिमिक्स हो रहा है. जो एक एक जो हुक होता है ना, क्यों दिल में हो तुम आया, 30 साल का बाद चीट इंडिया में, वाई चीट इंडिया में ये गाना इतना सुपरहिट हो गया, आँख मारा आँख मारे इतना बड़ा हिट क्यों हुआ, बिकॉज उसका हुक बहुत अच्छा है. तो बस हुक के लिए सब लोग ले रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू सर.